एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं संतोष यादव आज इस नई वीडियो की शुरुआत करता हूँ। बाकी चेकआउट करता हूँ यहाँ, ऐसा कुछ काम लगाता हूँ गेट, ठीक है, ऐसा कुछ था। बाकी जा रहा हूँ अभी एयरपोर्ट, चलो आपको फ्लाइट जर्नी भी दिखाऊँ, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे एयरपोर्ट। लास्ट डे है साउथ गोवा का, लास्ट डे क्या मतलब कुछ ही टाइम बचा हुआ है। आज हमारी फ्लाइट रहने वाली है गोवा से लेके दिल्ली तक। जाने का मन नहीं कर रहा है, बट जाएंगे तो तभी तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे। चलो तो अब निकलता हूँ यार यहाँ से, बाकी शानदार व्यू को बाय बाय करता हूँ और निकलता हूँ एयरपोर्ट के लिए। वैसे जो यहाँ का एयरपोर्ट है दबोली में एयरपोर्ट चलता हूँ। बाकी आप लोगों को मेरी गोवा सीरीज़ की वीडियो कैसी लगी, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप चाहें तो एक से लेकर छः तक जितनी वीडियो आपको देखनी हो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह आप देखना। आपको जो वीडियो अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपना प्यार देना उस वीडियो को। तो चलो अब निकलता हूँ वैसे इस शानदार व्यू को बाय करके और आपसे मिलता हूँ। मेरे को टाइम था तो हम लोग आ गए हैं कैफे में, हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था तो एयरपोर्ट के जस्ट पास ही था डबोली में एयरपोर्ट के। बाकी चलो कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ और निकलूंगा थोड़ी देर में। बाकी यार ये ब्रेकफास्ट के चक्कर में बहुत कुछ हुआ, चलो आपको आगे बताता हूँ। तब तक हमने कुछ ऑर्डर किया वो आने दो, तब तक उससे पहले ये चाय आ चुकी है। बाकी चाय तो यार गजब थी, कड़क एकदम नींद खोलने वाली चाय थी। बाकी यार मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं किया था वैसे, चाय के साथ कुकी वगैरह मिल गया, सैंडविच वगैरह भी ऑर्डर किया हमने और सैंडविच फ्रेंच फ्राई वगैरह, क्योंकि फ़्लाइट में खाना मिलेगा नहीं। तो चलो यहीं थोड़ा पेल के खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं फ़्लाइट में और बाकी देखते हैं आपके का एक्सपीरियंस क्या होने वाला है हमारे साथ। हम लोग हैं दबोलीम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, मतलब आज बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, हमारी फ़्लाइट भी छूट गई। मतलब लाइफ में सेकंड टाइम ऐसा हो रहा है जब मेरी फ़्लाइट छूट गई हो, तो शुक्र करो इंडिगो की फ़्लाइट थी मेरी, और किसी की होती तो पता नहीं क्या ही होता। चलो आपको बताता हूँ, आपकी भी अगर इंडिगो में आप फ़्लाइट जर्नी करते हो तो आपकी फ़्लाइट अगर छूट जाती है तो आप क्या करें। फ़्लाइट छूट जाती है तो आप एक चीज़ ज़रूर करना, आप इंडिगो के काउंटर पर जाना और उनसे पूछना नेक्स्ट फ़्लाइट कब है, तो वही आपको नेक्स्ट फ़्लाइट सस्ती पड़ जाएगी, मतलब हाफ़ रेट पर पड़ जाएगी। हमारी फ़्लाइट छूट गई थी, हमें 2500 रुपये 2500 पर पर्सन देना पड़ा था फ़्लाइट के लिए, जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी हमारी दिल्ली की। मतलब यार बहुत ट्रेजिडी, मतलब क्या क्या नहीं हुआ यार, क्या क्या नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ हमारे साथ। बट फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, मुझे तो लग रहा था दिल्ली जा ही नहीं पाएंगे। तो चलो अपना बोर्डिंग पास भी मिल गया, अब चलता हूँ आपको फ़्लाइट के अंदर लेके चलता हूँ। वैसे इस एयरपोर्ट पे ज़्यादा वीडियो वगैरह अलाउ नहीं है क्योंकि ये इंडियन नेवी के अंडर आता है ये एयरपोर्ट। बाकी ऑल थैंक्स टू इंडिगो, क्योंकि यार अगर इंडिगो की अगर नेक्स्ट फ़्लाइट नहीं होती तो हम तो यहीं लटके रह जाते। तो वैसे हिमांशु भाई ने तो प्लानिंग में बना रहे थे कि चलो बागा बीच चलते हैं, वहीं से नेक्स्ट डे चलेंगे, बट शुक्र करो यार इंडिगो वालों ने हमें मतलब करवा दिया जैसे तैसे यार, मतलब हम तो बहुत टेंशन में आ गए थे। तो चलो बोर्डिंग का टाइम भी हो गया, वैसे अब बोर्डिंग करता हूँ, अपनी फ़्लाइट है, अब देखते हैं आपको सीट कौन सी मिली है हमको। वैसे जो हमारी प्रीवियस फ़्लाइट थी, इससे पहले वाली फ़्लाइट में मैंने विंडो सीट बुक कर रखी थी, वो तो पैसा वेस्ट ही गया, पर सही है 2500 लगा पर पर्सन, मतलब जो हमारे फ़्लाइट का रेट से डबल ही था। चलो अब चलता हूँ बोर्डिंग करता हूँ। बाकी ऐसी कुछ सीट रहने वाली है इंडिगो की, 3x3 की सीटिंग रहने वाली है, यानी 3 सीट इस साइड 3 सीट इस साइड। तो चलो अपनी, और लकीली भाई मेरे को विंडो सीट मिल गई है, मतलब हमें 2 विंडो सीट मिली है, एक लेफ्ट के साइड है और एक और हमें जो हम लोग 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं और 2 सीट उस साइड है। तो मैंने तो लेफ़्ट वाली ले ली विंडो साइड, क्योंकि थोड़ी बहुत वीडियो बना के दिखानी है आपको, तो बस ज़्यादा वीडियो वगैरह तो अलाउ नहीं है यहाँ पे, बाहर का आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकता। अब डायरेक्ट अब टेक ऑफ करता हूँ, टेक ऑफ के टाइम पे थोड़ी वीडियो बना दूंगा और निकलूँगा, बाकी आपको आसमान के नज़ारे दिखाऊंगा और क्या है। बाकी ये लोग तो सेट हो रखे हैं, आराम से सीट वीट मिल गई है इनको भी, मेरे को एक अकेली सीट मिली हुई है। देखता हूँ मेरे साथ में कोई को पैसेंजर अगर आए, वरना अगर खाली जाए तो फिर तो मज़े ही मज़े। वैसे लकीली मेरे को तो मिल गई थी विंडो सीट। अगर आपको ही विंडो सीट चाहिए होता है तो आप एक काम ज़रूर करना, आप चेक इन के टाइम पे 24 to 48 आवर्स अगो पहले ही चेक इन कर लेते हैं। चेक इन करते टाइम आप विंडो सीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या आपको मील वगैरह लेना है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऊपर से क्या नज़ारा दिख रहा है यार, गज़ब। मेरे को ये ऊपर से नज़ारे देख के भाई मज़ा आ गया गोवा का।
लास्ट टाइम जब मैं आया था तब जब मैं दिल्ली से गोवा आया था, मतलब मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरा था मैं, यार मेरे को तो मज़ा आ गया था। ऊपर से वाटरफॉल दिख रहा था और यहाँ से ऊपर से समुद्र के नज़ारे गजब ही, मतलब सी जो दिख रहा है अरेबियन सी एकदम गजब दिख रहा है। आप लोगों को तो दिख नहीं रहा होगा, थोड़े बादल वगैरह हैं, लेकिन मेरे को साफ दिख रहा था यार, मज़ा आ गया। वैसे वैसे आकाशा एयर की फ़्लाइट से मैं दिल्ली से लेके गोवा आया था, वो आप वीडियो देखना चाहते हैं मैं आई बटन में दे दूंगा, वो वीडियो को भी ज़रूर देखना, अपना प्यार देना। और मैंने गोवा सीरीज़ की सारी वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया है, उसकी भी मैं आई बटन में दे दूंगा, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। फ्लाइट जर्नी तो बिंदास चल ही रही है, वैसे जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमारी फ़्लाइट छूट गई तो चलो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला, इसमें भी सीखने को मिला हमें बहुत कुछ, कि नेक्स्ट टाइम जब हमारी फ़्लाइट छूटती है तो हम नेक्स्ट फ्लाइट का भी हमारे पास चांस रहता है कम फेयर में। ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी, ये चीज़ मेरे को अभी पता लगी, तो मतलब ये चीज़ इस ट्रिप से भी, मतलब गोवा ट्रिप से भी बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। बाकी आप लोग भी अगर ट्रैवल करते हैं तो आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस होता है जब आपकी फ़्लाइट वगैरह छूट जाती है? भाई मेरी तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी, बट फाइनली यार मैंने फ़्लाइट में बैठ के लगा कि हाँ यार अब तो पहुँच ही जाएंगे दिल्ली। बाकी टर्बुलेंस यार बहुत ज़्यादा हो रहा था, विजिबिलिटी ज़ीरो, कुछ नहीं दिख रहा बाहर, जैसे मतलब हम दिल्ली से गोवा आ रहे थे उस टाइम जो हो रहा था सेम वैसे ही है। आप बाहर देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, बाकी टर्बुलेंस यार मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं साल में हमेशा एक से दो ही फ्लाइट जर्नी करता हूँ, इस वजह से ही टर्बुलेंस की वजह से, इसलिए मैं ट्रेन जर्नी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बट अभी ट्रेन वगैरह में भी ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, पता नहीं क्यों यार, इस वजह से ट्रेन जर्नी भी थोड़ा कम किया है मैंने, तो सोचा फ्लाइट से ही आऊँ। वैसे मेरा प्लान था गोवा से दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से जाने का, जो मडगांव से चलती है, तो बाकी सब लोगों ने कहा यार फ्लाइट से ही चलते हैं, इतना छुट्टी नहीं थी किसी के पास, तो चलो यार फ्लाइट से ही जा रहा हूँ। बाकी नज़ारे तो यार गजब दिखते हैं ऊपर से, मतलब मज़ा ही है, पैसा वसूल जर्नी हो जाती है अगर आप फ्लाइट जर्नी करते हो तो। थोड़ा सा टाइमलेस बनाया था, कैसा लगा आपको टाइमलेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अब कुछ ही देर में 30 मिनट्स में आने वाला है दिल्ली का टर्मिनल 1 एयरपोर्ट। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं टर्मिनल, हमारी जो फ़्लाइट थी वो टर्मिनल 2 पे उतरने वाले थे हम लोग, बट ये क्या मैं देख रहा हूँ टर्मिनल 3 पे उतर रहे हैं। चलो अब देखता हूँ यार टर्मिनल 3 पे है तो सही है, टर्मिनल 3 से कनेक्टेड है मेट्रो भी, अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग को बता दूँ टर्मिनल 3 से मेट्रो कनेक्टेड है। अगर आप टर्मिनल 2 उतरते हैं तो टर्मिनल 2 से 10 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मेट्रो मिलेगी, एयरपोर्ट एक्सप्रेस। अगर आप टर्मिनल 1 पे उतरते हो तो टर्मिनल 1 पे मजेंटा लाइन है मेट्रो, मतलब तीनों जो टर्मिनल है वहाँ से मेट्रो कनेक्टेड है। तो बस आपको ये छोटी सी जानकारी देनी थी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना ये सब जानकारी कैसी लगी और आपको वीडियो कैसी लगी दिल्ली से गोवा की और गोवा से दिल्ली की, गोवा की जितनी भी सीरीज थी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी हम लोग लैंड हो गए और बाकी ये गो एयर का प्लेन खड़ा यार, जब से गो एयर बंद हुई है तब से दिल्ली से लद्दाख के फेयर बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए यार, पता नहीं ये गो एयर कब चालू होगी, जल्दी ही चालू हो ताकि यार फ्लाइट के फेयर वगैरह थोड़े से कम हो, क्योंकि आप फ्लाइट के फेयर आसमान छूते जा रहे हैं दिन ब दिन। वैसे जो आपने ये गो एयर वाला सेक्शन देखा है टर्मिनल 2 एयरपोर्ट है, मतलब हम लोग टर्मिनल 3 पे उतरे, टर्मिनल 3 से हम लोग टर्मिनल 2 पे आए, अब टर्मिनल 2 पे भी हमारी फ़्लाइट रुकी नहीं है, आप देख लो मतलब चलते चलते मुझे लग रहा है ये टर्मिनल 1 पे ही जाके उतारेगी, क्योंकि हम पहली बार ऐसा हुआ टर्मिनल 3 पे उतर रहा हूँ, फिर T2 भी क्रॉस कर लिया और फाइनली अब T1 पे हम लोग उतर रहे हैं, मतलब ये तो गजब ही हो गया हमारे साथ। टर्मिनल 2 पे हम लोग को उतरना था पर हम लोग उतरे हैं टर्मिनल 1 पे, क्या पता वहाँ पे पार्किंग नहीं होगी प्लेन की इस वजह से। बाकी हमारा एयरबस A320neo में आज की हमारी फ़्लाइट जर्नी थी गोवा से लेके दिल्ली तक। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपना प्यार देना, कमेंट सेक्शन बताना ठीक है आप कहाँ की वीडियो देखना चाहते हैं नेक्स्ट। बाकी चलो अपना बैग वगैरह लेता हूँ लगेज सेक्शन से, जर्नी के बारे में बात करूँ, फ्लाइट जर्नी तो गजब थी यार। अब जो नेक्स्ट प्लानिंग हो रही है हमारी ट्रिप की,
वो इंटरनेशनल हो रही है कहीं की, वो भी आपको पता चलेगा, उसको भी एक ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगा। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं से ख़त्म करता हूं, टर्मिनल वन से। होप करता हूं आपको ब्लॉग में मज़ा आया होगा। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को, और मैं क्या चीज़ अच्छी कर सकता हूं। तो चलो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।